क्षत्रिय युवक संघ के हीरक जयंती यानी डायमंड जुबली के शुभ अवसर पर मंच पे विराजमान श्री क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक और हम सब के परम श्रद्धे भगवान सिंह जी रोलसा अफसर साहब और हाल ही में नए संघ प्रमुख बने सम्मानीय लक्ष्मण सिंह जी बेड़ेगावास, मंच पे विराजमान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, राजस्थान की विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता और राजस्थान में और राजस्थान की विधानसभा में बहुत ही वरिष्ठ नेता, 7 बार के विधायक, 3 बार के मंत्री आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब, हमारी सरकार में कांग्रेस सरकार के बहुत वरिष्ठ नेता, कैबिनेट मंत्री सम्मानीय प्रताप सिंह जी खातरियावास, ऊर्जा मंत्री सम्मानीय भंवर सिंह जी भाटी साहब, सैनिक कल्याण एवं पंचायत राज मंत्री सम्मानीय राजेंद्र सिंह जी गुड़ा साहब और मंच पे विराजमान सभी विधायक साथियों, पूर्व विधायक, सभी समाजों के पधारे हुए समाजों के अध्यक्षगण और सामने विराजमान बहुत बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, बुजुर्गों, नौजवान, दोस्तों, प्यारे बच्चों, मीडिया के साथियों और पुलिस और प्रशासन, जिन्होंने इस रैली को सफल बनाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। यह बात सही है, मुझे अभी बताया गया कि समय बहुत सीमित दिया गया है और मैं कोशिश करूंगा नियत समय में मेरी बात समाप्त करूं। श्री क्षत्रिय संघ के बारे में विस्तार से अभी महावीर सिंह जी सरवड़ी साहब ने पूरी गतिविधि के बारे में जानकारी दी है। मैं तो इतना इसमें ऐड करना चाहूंगा कि श्री क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना को 75 वर्ष जो पूरे हुए हैं, जो हीरक जयंती हम मना रहे हैं, इन 75 वर्षों की जो यात्रा रही श्री क्षत्रिय युवक संघ की, उसका जीता जागता उदाहरण है ये अभूतपूर्व, ये विहंगम दृश्य, ये विशाल ऐतिहासिक रैली। ऐसी रैली राजस्थान में न भूतों ने भविष्य दी। ये अपने आप में श्री क्षत्रिय संघ का परिचय के लिए ये साक्षात है। और कितना इसमें अनुशासन है, कितने संस्कार हैं, क्षत्रिय संघ ने क्या दिया है, ये भी इस रैली में सबको वो झलक दिखाई पड़ रही है। इसलिए आप जितने लोग पधारे इस रैली में, आप रियली बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और जो श्री क्षत्रिय संघ के स्वयं सेवक, जिनको मैं पिछले 3 दिन से 4 दिन से इस भवानी निकेतन प्रांगण में कचरा उठाने से लेके सफाई करने से लेके पूरी व्यवस्था में जिस ढंग से दिन रात जुटे हैं, ये देखने वाली बात है और सीखने वाली बात है, वो सब बहुत बधाई के पात्र हैं। तो क्या श्री क्षत्रिय संघ है इसका जीता जागता उदाहरण है। मैं बहुत लंबी जिरह लंबी बात नहीं करूंगा, समय की अपनी मर्यादा है, समय का अपना तकाजा है। और मुझे जो विषय भी दिया गया है वो दिया गया है सामाजिक समारोह की महत्ता और श्री क्षत्रिय युवक संघ। सामाजिक समारोह की महत्ता तो आप सब जानते हैं, जब हम इकट्ठा होते हैं, हम एक साथ बैठते हैं, आपस में परस्पर बात करते हैं, उसका महत्व
सब जानते हैं कितना इम्पोर्टेंट चीज है। उसमें सारी बातें आ गई, हमारी शक्ति का एहसास भी हो गया, हम कितने डिसिप्लिन्ड है इसका एहसास भी हो गया, हमारे क्या संस्कार है इस बात का भी एहसास हो गया। श्री क्षत्रिय वैश्य संघ ये भी विषय मुझे दिया है, श्री क्षत्रिय वैश्य संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है, ये अपने आप में आप सबकी उपस्थिति, सारे पॉलिटिकल पार्टियों के लोग एक मंच पे बैठे हैं, एक झंडे के नीचे बैठे हैं, यही श्री क्षत्रिय वैश्य संघ है। सबका विश्वास है, सबको भरोसा है कि ये कोई राजनीति अपने स्वार्थ के लिए नहीं करेंगे, किसी एक राजनीतिक पार्टी के कहने में या सुनने में नहीं रहेंगे, किसी व्यक्ति विशेष में दबाव में काम नहीं करेंगे। इसी का प्रमाण है कि सारी राजनीतिक पार्टियों के लोग आज इस मंच के दाएं और बाएं ओर बैठे हैं। श्री चतुर संघ के संघ प्रमुख और संरक्षक मंच के बीच में बैठे हैं, इसका मतलब है कि हम सब उनको बहुत श्रद्धा से, बहुत आत्मीयता से उनको बहुत सम्मान करते हैं। एक बात मैं कहूंगा कि एक बार ऐसी रूमर थी कि श्री क्षत्रिय वैश्य संघ किसी पार्टी विशेष के लिए काम करता है। एक बार 2007 में जब प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही थी और हमारे यहीं के बहुत ही वरिष्ठ नेता, तीन बार मुख्यमंत्री रहे और बहुत वरिष्ठ नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, भैरू सिंह जी शेखावत, वो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे और श्री क्षत्रिय संघ के संघ प्रमुख भगवान सिंह साहब के वो बहुत नजदीक थे, बहुत मानते थे, लेकिन जब किसी राजनीतिक कारणों से प्रतिभाताई पाटिल पर कीचड़ उछालने की बात आई तो भगवान सिंह साहब ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और प्रतिभा पाटिल जी का बहुत सम्मान किया। और मुझे आज भी याद है वो बात आपने कही कि प्रतिभा पाटिल श्रीमती देवी सिंह शेखावत की वाइफ है और हमारे राजस्थान की बहू है। ये अपने आप में एक साबित करता है कि श्री क्षत्रिय संघ किसी पार्टी का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं। तो जब भी कभी ऐसी बातें हमारे ही कुछ लोग ऐसी रूमर, ऐसी भ्रांतियां फैलाते हैं, वो गलत बात है, ये अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। तो मैं श्री क्षत्रिय संघ की जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम पड़ती है। एक बात मैं खत्म करूं, उससे पहले जरूर बताऊंगा, अभी महावीर सिंह साहब ने बोला कि रिजर्वेशन हमारे समाज की बहुत बड़ी मांग थी, मांग है और मांग रहेगी। आज सरकारी नौकरियों में हम लोग बहुत कम संख्या में हो गए हैं। मैं इस बात के लिए महावीर सिंह जी, भगवान सिंह जी, मैं थोड़ा विषय से अलग हटके, आपने मुझे बाउंड किया, फिर भी मैं मुझे कहते हुए गर्व है कि जो आर्थिक पिछड़े वर्ग में हम भी आते हैं, उस आरक्षण का अगर जो भारत सरकार ने लागू किया, उसका जो सरलीकरण का काम किया, वो हमारे राजस्थान के यशस्वी और तीसरी बार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया, इस बात की हम बहुत उनकी प्रशंसा करते हैं। ये इतना बड़ा काम था, हमारे बच्चों की मैंने अभी आंकड़े निकलवाए, करीब 2500 बच्चों को नौकरियां लगी है। और मैं इस मंच से एक बात और कहूंगा, ऐसा ही सरलीकरण मैं गजेंद्र सिंह जी से और राजेंद्र राठौड़ साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वो भारत सरकार में आप लोग बहुत अच्छी पोजिशन में हो, अच्छी अथॉरिटी में हो, जैसा राजस्थान में आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण दिया है, उसी भांति भारत सरकार की नौकरियों में और पूरे देश में यह बात लागू होनी चाहिए। इस बात का हम सब आपका वेलकम करेंगे। और यह सब बात कहता हुआ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मेरे से कोई बोलने में, कोई कहने में कोई चूक हो गई हो तो मुझे माफ करें। जय संघ शक्ति, धन्यवाद, जय हिंद।